हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज आप इस वीडियो के जमात छेवीं की जिहड़ी कि अगस्त प्रीख्या बायोमंथली पेपर थानू पता है सबनों होण जा रहे हैं, आपां क्लास छेवीं वालियां दा पंजाबी दा पेपर देखांगे। तो वीडियो नू एंड तक जरूर देखियो। चैनल ते नवे हो तो प्लीज़ चैनल नू सबसक्राइब कर लो, एवें दे होर पेपर इसे चैनल ते थानू मिलते रहूंगे। चलो आप देखते हैं पेपर की है, तो वीडियो नू एंड तक जरूर देखियो क्योंकि हर एक जिहड़ा क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि यही पेपर थोड़ा बायोमंथली दे पेपर दे विच आ जाए, पर इस दे विचों 50-80% का पेपर है जिहड़ा कि थानू पेपर दे विच देखण नू जरूर मिलेगा। तो पेपर पैटर्न समझ लो की है, तो जिहड़ा भाग ऊड़ा है उस दे विच सुंदर लिखाई दा थानू नंबर 2 अंक दिते जाणगे, ते हेठ दिते पैरे नू पढ़ के प्रश्नां दे उत्तर देने ने। तां थानू पैराग्राफ जिहड़ा कि दिख ही रिहा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दा नाम मोहनदास करमचंद गांधी सी। उन्हां दा जन्म 2 अक्तूबर 1869 ईस्वी नू गुजरात दे पोरबंदर विच होया। जदों उन्हां दा जन्म होया भारत अंग्रेज़ां दा गुलाम सी। गांधी जी ने भारत नू आज़ाद करवाउण लई देश दी अगवाई कीती अते उन्हां दे विचार बड़े उच्चे ते सुचे सन। उन्हां दी कहानी ते करनी विच कोई अंतर नहीं सी, ओह सब मनुखां नू इक समान समझदे सन। उन्हां दे मन विच किसे धर्म बारे किसे जात बारे कोई बुरी भावना नहीं सी। ते वीडियो नू नाल दी नाल पेपर नू हुण स्किप ना करियो, नाल दी नाल अपना ये पढ़ी जाओ जो जो मैं दस रही हाँ। ते जेकर तुसी ये 2-3 मिनट दी जिन्नी भी वीडियो है, वीडियो दे नाल थानू बहुत बेनीफिट होगा, थोड़ा पेपर जिहड़ा कि सारा सोल्व हो जूगा नाल दी नाल। ते प्लीज़ स्किप ना करो, ये 10 मिनट दी जिहड़ी कि क्लास एक तरह दी तुसी लगा लिया करो, थोड़ा पेपर हो जूगा। होर भी थानू कुछ मटीरियल मैनू मिलता है, मैं जरूर अपलोड करूँगी, तो तुसी इसका फायदा लिया करो। तो उन्होंने सच्चाई ते अहिंसा का महार्ग चुनिया, जीवन भर इसे ही रस्ते ते चलते रहे। अपने महान विचारां ही करके वह महात्मा बने, तो सारा देश अज भी उन्होंने बापू के नाम नाल याद करता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम की सी सबनों पता है, मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि असी उपर भी हुण पढ़ के आए। महात्मा गांधी का जन्म कदों होया तो वह भी पता है, 2 अक्टूबर 1869 दे विच होया। महात्मा गांधी का जन्म कित्थों होया सी वह भी सानू उपर असी हुण पैराग्राफ च पढ़िया, पोरबंदर विच होया सीगा। ते अगे नैक्सट देखते हैं, महात्मा गांधी ने किहड़ा मार्ग चुनिया सीगा, तो यह भी थानू सबनों पता है, महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग चुनिया सी। ते नैक्सट जिहड़ा हैगा है, सारा देश अज भी उन्हां नू किहड़े नाम नाल जाणदा है, तो उसनू थानू आ वाली लास्ट लाइन च पता है, बापू दे नाम नाल जांदा है। तो आह वाले तो तुसी टिक लगा के आना पेपर दे विच। नैक्सट हेठ दिते गए पैरे नू पढ़ के प्रश्नां दे उत्तर देने हैं। रसोई की अलमारी विच इलायची सौंफ जवैन अंबचूर ते अनारदाना वख वख लिफाफिया अंदर बैठे रहिंदे सन। एक बार जदों मई दा महीना आया, दोपहर वेले इलायची नू बड़ी गर्मी लगी, ओह सब तो जल्दी लिफाफे तो बाहर आ गई। फिर सौंफ नू भी गर्मी लगी, ते जवैन नू भी गर्मी लगी, अंबचूर ते अनारदाने नू भी गर्मी लगी, ते सारे ही लिफाफिया विचों निकल आए। नेड़े ढक्कण उत्ते पुदीना पिया सी, पुदीने नू भी ढक्कण बड़ा गर्म लगा, पुदीना ढक्कण उत्तों उतर के अपने बेली अनारदाने को आ गया। हुण रसोई अलमारी विच सौंफ दे लिफाफे अंदर कड़ी कड़ी चीज़ा पईआं सी, तां तुहानूं पता है इलायची सौंफ जवैन अंबचूर ते अनारदाना, तां तुसीं इह वाली चीज़ नूं बच्चो टिक लगा के आना पेपर दे विच। नैक्सट सब तो पहलां किस नूं नैक्सट हैगा क्वेश्चन, सब तो पहलां किस नूं गर्मी लगी सीगी, तां सब तो पहलां किस नूं गर्मी लगी सीगी, इलायची नूं। तो तुसीं इस दे विच की टिक करके आना, इलायची। सब नूं किहड़ा महीना गर्मी लगी, तो ये इसका आंसर हैगा है मई, तो तुसीं मई उत्ते टिक करके आना इसका, इलायची। नैक्सट हैगा पुदीने का बेली कौन सी, पुदीने का बेली अनारदाना सीगा, ये भी आप पैरे दे विच पढ़िया। बेली शब्द का अर्थ की हुंदा है, बेली का अर्थ हुंदा है उसका मित्र सीगा। नैक्सट हैगा व्याकरण नाल संबंधित प्रश्न हैगे ने थानू, तो शेर ये भी बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है, इसनों भी ध्यान नाल पढ़ियो। तो शेर जंगल का राजा मनिया जाता है, वाक विचों नाम शब्द चुनो। तो हुण इहदे विच नाम का उही हुंदा है, जो किसी का नाम हुंदा है जां जगह का नाम हुंदा उसनू नाम कहा जाता है, तो इस दे विच की है नाम शेर, जंगल राजा, तीनों नाम हैं तो उपरोक्त सारे। मैं स्कूल जाता हाँ, वाक विचों प्रणाम चुनो। मैं असी तुसी ये प्रणाम हुंदे हन, तो इस दे विच तुसी लगा के आना मैं। अधक बिंदी ते टिप्पी नू डैश आख्या जाता है, तो इन्हों तो नक् ना नासकी शब्द आख्या जाता, क्योंकि इन्हों की आवाज़ जड़ी कि नक् राही आती है। पंजाबी विच डैश स्वर ते व्यंजन होंदे हन, तो इसका भी आंसर यही है कि 10 स्वर होंदे ने, ते जिहड़े बाकी बचे वह व्यंजन होंदे ने। पंजाबी विच 36 व्यंजन होंदे ने, तो इसका आंसर गलत है।
अनुनासिक अक्षर वो होंगे हैं जिन्हों की आवाज़ नक् विचों निकलती है। नहीं, ये गलत है। नासिकी शब्दों की आवाज़ नक् विचों निकलती, तो इसका आंसर तुसी गलत लगा के आना है। हुण मिलान करने ने, उच्चे का मिलान किस दे नाल होगा? नीवे नाल। ते गर्मी का मिलान किस नाल होगा? सर्दी नाल। तो तुसी देख सकते हो, जेकर ये वाला सारा पार्ट तुसी सही करके आओगे तो तुसी इत्थों 8 मार्क्स जेडे कि ले सकते हो। नैक्सट देखते हैं आप हेठ लिखिया विच काव्य सत्रां विचों किसी एक दे भाव दे अर्थ स्पष्ट करने, मतलब तुसी दसना है कि इन्हां दी जिहड़ी लाइनां दा मतलब की है। तो आप पढ़ते हैं, जिहड़ा पहला हैगा, सावा रंग तेरा दस खेतियां दे रंग नूं, पहनण वाला केसरी जान योधे जंग नूं। तो यह थानू पता है, थोड़ी तिरंगे वाली जिहड़ी पोएम है उस दे विचों लिया गया है। उत्थे देख लियो कि इस दे अर्थ यही है कि सावा रंग तेरा दसदा है कि जिहड़ा मावा रंग आना सी शायद खेतियां दे रंग नूं दसदा है, ते पहन वाला जिहड़ा केसरी है योधियां दे मतलब जंग नूं दस दर्शाता है। तो ये वाले तुसी प्रसंग सहित व्याख्या करो, जे ये वाला नहीं थानू समझ लगती नीचे जा पा के एक होर है, सोहने देशां अंदर देश पंजाबी नहीं सही हो, जिवें फुल अंदर फुल गुलाब नहीं सही हो। ये भी थोड़ी शायद दूजी तीजी जी पोएम है उस विचों लिया गया है। हेठ लिखे वि प्रश्नों विचों किसी दो दे उत्तर दो। तिरंगे झंडे के तीन रंगा के नाँ दसो, तो तुम तीन रंगा के नाम पता है किड़े होंगे ने, तुम इतने लिखे हो इलायची नू किस गल का घमंड सीगा, तो तुम वह भी प्रश्न थोड़ी बुक विचों आया होगा, उसका आंसर भी तुम इतने लिख सकते हो। नैक्सट हैगा, महात्मा गांधी जी ने अपनी माँ को किहड़े वचन दिते, ये थोड़ी बुक के सारे आंसर होणगे, उत्थों रीड करो तो तुम ये चैक करो कि थानू किन्ने क्वेश्चन आते हैं। जिन्हां नूं सारे आंदे ने कमेंट विच दस्सिओ कि थानू पेपर आंदा सीगा, ते जिन्हां नूं नहीं आंदा होर तैयारी करो अपनी। तो देश पंजाब कविता विच आए दरियावां दे नाम, तो दरियावां दे थानू जिहड़ी देश कविता हैगी उस दे विच जिहड़े भी दरियावां दे नाम आए ने उह वाले देख लियो। नैक्सट हुण मुहावरे देख लो, मुहावरे भी बहुत इंपोर्टेंट ने। अखां चुराणियां मतलब कोई काम तो टलना, उल्लू सीधा करना गल मनवाणी, 19-21 का फर्क कोई फर्क नहीं रखना, उच्चा नीवा बोलना मतलब वध बोलना, उस्तादी करनी चलाकी करनी, असमान सिर ते चुकना बहुत मतलब रोला पाना, उल्लू बोलने कोई मतलब बला आनी, उसलवटे भन्नने अपने गल नूं मतलब मनवाना। तो ये थोड़े मुहावरे सीगे, ये मुहावरे सारे कर लियो तो बुक दे विच देख लियो वैसे इन्हां दे सही अर्थ की ने, ते जेड़े भी इन्हां दे वाक बनते ने अपने वाक तैयार कर लियो, इन्हां दे विच्चों भी तुहानूं पेपरां दे विच आ सकते ने। तो कोई एक तो तुसी लेख लिखना है, हुण तुसी लेख जेड़ा कि कोई दो याद करके चले जाने, तिन्ने नहीं करने है, अखी डिठा मेला कर लो तो एक गर्मी की रुत्त कर लो, दोनों के जो थानू मतलब लग्या पेपर दे विच आ गया है वह वाला करो तुसी। नैक्सट हैगा, ये थानू कोई पत्र तो एक कहानी लिखनी है, अद्धी छुट्टी लैन की जा तो लिख दो, अद्धी छुट्टी की सौखी है, दर्जी तो हाथी तो थानू औखा लगेगा, तो तुसी अद्धी छुट्टी वाली लिख दो कि मैनू बुखार चढ़ गया सीगा, तो सेवा विखे मुख अध्यापक जी मैंने छुट्टी चाहिए है, तो वह लिख दो। डब्बे विच सार्थक शब्द बनाने ने, यह भी थानू सबनों पता है सार्थक शब्द किवें बनते हैं, जिमें कि आ देखो चश्मा बन रहा है, माता बन रहा है, बाप बनता है, गमला, होर की बनता है, ये शायद गर्मी बन रहा है पता नहीं अजे, कार, ठीक है, ये सारा कुछ बन रहा है। तुसी भी देख लियो थानू केड़े केड़े मिल रहे ने पेपर दे। नाम की परिभाषा देनी नहीं, नाम की परिभाषा जेड़े शब्द नू असी किसी नाम या किसी वस्तु का नाम नाल आख्या जाता है उसनू नाम कहिंदे हन, ते जिवें मैं मतलब राम सीता अमृतसर सारे किसी स्पैशल जगह के नाम उसनू नाम कहिंदे ने। तो यह थोड़ा पेपर सीगा, जेड़े तो एंड तक वीडियो देखे ने चैनल नू सबसक्राइब कर लियो, तो वीडियो नू लाइक जरूर करो, थैंक यू, ते होर पेपर चाहिए ने कमेंट विच जरूर दस्सो।